हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी कभी मॉनसून सीजन आता है या रेनी सीजन आता है तो उसमें जो हमारे ड्राइवर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाड़ी को चलाने में, खास तौर पे जब मॉनसून या बारिश के टाइम होते हैं, क्योंकि जो विंडशील्ड होती है आगे का ग्लास है उसमें बहुत ज़्यादा फॉग जम जाता है जब वो ग्लास को लगाते हैं, और ग्लास को ओपन भी नहीं कर सकते विंडो ग्लास को, क्योंकि बारिश की बूंदे अंदर आने लग जाती है। तो उस केस में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे इसको ग्लास जो विंडशील्ड है फ्रंट का उनको साफ रख सके, उसको क्लीन रख सके, ताकि आगे का जो विजिबिलिटी है उसको अच्छे से देख सके। तो फ्रेंड्स, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद है। फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे एंड तक जरूर देखें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी कभी रेनी सीजन होता है उस केस में अगर आपका विंडो ग्लास चारों तरफ से पैक है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर में फॉग आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर के बाद थोड़ा थोड़ा करते करते विजिबिलिटी ना के बराबर होने स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप विंडो ग्लास का जो नीचे डाउन करेंगे तो उस केस में क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर तो ठीक होने लगेगा, फॉग तो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, बट क्या है कि बारिश के बूंदे अंदर आने लग जाती है तेज बारिश में। हल्की हल्की बरसात में आप क्या है कि थोड़ा बहुत विंडो नीचे करके चला सकते हैं, बट ज़्यादा तेज बारिश में आप विंडो ग्लास को नीचे नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला बात है कि आपको बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं, पहले मैं वो बताता हूँ, सब लोग क्या करते हैं पहले हाथ से लगा के इसको साफ करते रहते हैं, फिर गाड़ी चलाते हैं, फिर थोड़ा दूर के बाद हाथ साफ करते हैं, या फिर क्या करेंगे एक ऐसा क्लूथ लेकर के यहाँ पर रख करके उसको साफ करते रहेंगे फिर गाड़ी चलाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी गाड़ी में हर एक चीज के लिए हर एक फंक्शन दी जाती है। यहाँ पे आप देखे होंगे किसी गाड़ी में अगर एसी नहीं भी है तो उसमें ब्लोवर जरूर दी जाती है, खास तौर पर इसलिए, ठीक है, हर एक गाड़ी में लगभग ब्लोवर जरूर होती है, एसी भी लगभग आजकल गाड़ी में हर एक गाड़ी में है। अगर एसी नहीं भी है तो आपको एसी से कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लोवर से भी काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी गाड़ी डिजाइन होती है ना, वो हर तरह से हर सिचुएशन के हिसाब से गाड़ी को बनाया जाती है ताकि आप हर एक मौसम में गाड़ी को चला सकते हैं। तो सब लोग जो सबसे पहले गलती करते हैं, एक ऐसा कपड़ा लेते हैं उसको रगड़ने, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे देखिए हल्का हल्का देखिए फॉग जम रहा, देखिए गाड़ी का भी बारिश हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं विंडशील्ड भीगा हुआ है बाहर से, तो यहाँ पे देखिए अंदर गाड़ी का जो विंडो है उसको मैंने पैक किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करते करते कितना ज्यादा फॉग जमना स्टार्ट हो जाता है। ये धीरे धीरे करते करते आपका विजिबिलिटी को लो करते जाएगा। तो अब जो यहाँ से आप कपड़ा मारेंगे, सबसे पहला चीज जो मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग तो पहले जो भी कपड़ा रहता है जो बॉडी जो बाहर एक्सटेरियर के लिए रखे जाते हैं, सारे लोग क्या करते हैं जो कपड़ा यूज करते हैं क्लोथ यूज करते हैं उसमें जो बाहर का जो एक्सटेरियर का जो पॉलिश है उसको यूज करने के लिए, तो जब आप बाहर की पॉलिश या एक्सटेरियर को साफ करने के लिए क्लोथ रखेंगे पॉलिश के लिए रखेंगे तो इसमें जो पॉलिश का जो केमिकल्स है वगैरह ये कपड़ा में स्प्रेड हो जाता है, और जब आप विंडशील्ड में लगाएंगे ना खासतौर पर ग्लास में कहीं पर भी, तो इसमें जो पॉलिश का जो मटेरियल है वो इस पे आ जाएंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा, आपका विजिबिलिटी और ज्यादा खराब हो जाएगा। इस पे एक तरफ से छोटे छोटे ग्रीस पार्टिकल जो है पॉलिश पार्टिकल्स वो लग जाएगा तो वो अगेन आपका विंडशील्ड को दाग कर देगा, आप उसको चाह के भी बढ़िया से क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप कपड़ा रखते हैं, ठीक है, आपको ईजी लगता है कपड़ा से जल्दी लगता है, तो आप पहले सबसे पहले तो नीट एंड क्लीन कपड़ा रखें, उसको कहीं और जगह के लिए टच ना करें, कोई बॉडी पार्ट्स के लिए टच ना करें, कोई एक्सटेरियर के लिए टच ना करें, इनफैक्ट कोई इंटीरियर के लिए भी टच ना करें, क्लीन रखें, एकदम ही नीट एंड क्लीन रखें अगर आपको ग्लास सिप यूज करना है। सेकंड चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब देखिए कि आप अपने कंट्रोल से गाड़ी के जो कंट्रोलर से उससे आप विंडशील्ड को कैसे क्लीन कर सकते हो, तो देखिए बहुत इजी तरीका है। अगर जो लोगों का गाड़ी में एसी है, आप नॉर्मल सारा ग्लास को ऑफ कर करके सारा ग्लास को विंडोज को क्लोज कर करके आप नॉर्मल एसी चला के चलेंगे तो आपका ये सिचुएशन आएगा ही नहीं, आप कितना भी बारिश में चलेंगे, ठीक है, जो मॉइस्चर होता है जो हवा में नमी होता है उसके कारण ये ऐसा होता है। तो वो क्या होता है कि एसी जो होता है चलाएंगे तो आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर उसको सर्कुलेट करता है तो उससे क्या होता है जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो एसी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका ये प्रॉब्लम हो रही है विंडशील्ड में ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप एसी चलाएंगे सबसे पहला थिंग सबसे आसान है कि आप एसी को कंट्रोल करके रखें नॉर्मल टेम्परेचर में और एसी चला करके चलें, ब्लोअर नहीं, एसी में बात कर रहा हूं, ठीक है, एसी का मैं बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ ब्लोअर चलाएंगे एसी नहीं चलाएंगे तो उस केस में भी ऐसे ही होगा, इनफैक्ट इससे जल्दी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर आप एसी चलाएंगे तो सबसे पहला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड थिंग, अगर आपको एसी नहीं चलाना है, आप सोच रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर है विंडो को डाउन करके चलेंगे, ठीक है, तो अगर देखिए विंडो ग्लास को अगर आप डाउन करके चलेंगे नॉर्मल हाईवे में चल रहे हैं या फिर कहीं पे भी स्पीड पे चल रहे हैं, तो देखिए अगर आप बाहर में ऐसे साइड विंडो पैनल्स वगैरह लगाए होंगे जिसमें थोड़े दूर तक आप यहाँ पे देखिए इतना दूर तक में विंडो ग्लास को देखिए डाउन कर सकते हैं यहाँ तक,
ये इससे क्या होगा कि बारिश का जो पानी है वो अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ तक अगर आप सारा विंडो उसको डाउन कर लेंगे और अगर आपकी गाड़ी स्पीड में है तो क्या है, हवा यहाँ से पास होगी और पानी की बूंद नीचे आ जाएगी, हवा सिर्फ अंदर आ सकती है। तो उस केस में भी आपका जो विंडशील्ड है उसमें जो ये फॉग जम रही है ये नहीं जमेगी, ठीक है। सेकेंड थिंग्स, अगर इसमें भी जल्दी नहीं, अगर आपका स्पीड बहुत ही लो है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें एयर आते आते आपका तब तक यहाँ विंडशील्ड में कुहासा हो जाएगा, फॉग आ जाएगा, तो ये काम नहीं करेगी अगर इस केस में है। अगर स्लो है तो, अगर आप फास्ट में चल रहे हैं तो आपका नॉर्मल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा विंडो डाउन कर लेंगे। तीसरा चीज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कंट्रोल से बिना एसी से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको दो चार मेथड बताऊंगा। सबसे पहले जो है ब्लोअर मेथड बताऊंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ गाड़ी को ऑन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हर एक चीज का कंट्रोलर अलग अलग, जो एरो है, जो सिंबल है, वो सब गाड़ी का सेम रहता है, बस कंट्रोलर कहीं पे बटन है, कहीं पे नॉब है, वो सारा चीज अलग अलग रहता है, बट जो सिंबल है आप सिंबल को पकड़ कर रखें। देखिए यहाँ पे हर एक चीज का सिंबल बना हुआ है, तो ये सिंबल सेम है हर एक गाड़ी के लिए, भले यहाँ पे बटन की जगह नॉब रहे या कुछ भी रहे वो अलग हो सकता है। तो मैं इसके थ्रू बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लोअर का जो है डायरेक्शन है वो कहाँ पे जाएगा वो बता रहा है, यहाँ पे फेस पे बता रहा है, ये बता रहा है फेस और लेग दोनों पे, ये बता रहा है सिर्फ लेग पे, और ये बता रहा है लेग और आगे में जो ऐसा बना हुआ मींस आगे का जो विंडशील्ड के लिए वो बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना होगा। और ये साइड वाला सबसे कोना वाला कि टोटल विंडशील्ड में जाएगा, ठीक है, और कहीं नहीं जाएगा। तो आप सबसे पहले इसको लास्ट में कर लें। अब देखिए क्या करें, ये पर रीसर्कुलेटिंग मोड, यहां पे एरो बना हुआ गाड़ी के अंदर। फ्रेंड्स एक ब्लोअर मेथड है, आप ब्लोअर वाला जो सेक्शन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंट्रोल्स दी गई है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो लास्ट वाला सेगमेंट है, यहाँ पे देखिए जो ब्लोअर सिप बना हुआ है जो विंडशील्ड के लिए है, विंडशील्ड वाला साइन, यहाँ पे आपको कॉर्नर में कर लेना है, मींस एकदम हवा जो आएगा वो विंडशील्ड से निकलेगा। यहाँ पे बहुत सारे देखिए वेंट्स दी रहते हैं, एयर वेंट्स, यहाँ से आपका एयर थ्रो होगा और कहीं से भी नहीं आएगा। और जो ये मोड देख रहे हैं आप गाड़ी के अंदर एक एरो है, इसके मतलब है रीसर्कुलेटिंग मोड, मींस कार जो है वो अपने केबिन के अंदर के ही हवा को सर्कुलेट करेगा। तो इसको आपको हटा करके यहाँ पे फ्रेश एयर इंटेक मोड में लेना है। देखिए ये बाहर से एरो बना हुआ है, मींस ये बाहर से एयर लेकर के केबिन में डाल रहा है। अब क्या करना है आपको, ब्लोअर को सिर्फ ऑन कर लेना है। देखिए यहां से फैन को देखिए ये ऑन कर लेना, ठीक है, ये आप इसको फुल कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑन करेगा तो हवा यहां से आ रहा है, देखिए ये हवा यहाँ से आ रहा है और सीधा विंडशील्ड में लग के ये धीरे 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 करते करते आप यहाँ पे देखेंगे कितना जल्दी क्लीन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉग है, ये देखिए कैसा क्लीन कर देगा थोड़ा देर में, ठीक है, ये मेथड में, ठीक है। देखिए आप नॉर्मल उसके बाद गाड़ी को आप चला के चल सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। और अगर फास्ट करना है तो इसको क्या करें, यहाँ पे हीटिंग मोड में कर दे। देखिए ये गाड़ी का जो इंजन हीट होगा वो हीट जनरेट कर करके हीट से इसको और जल्दी क्लीन कर देगा, ठीक है। तो हीटिंग मोड में भी कर सकते हैं आप, नॉर्मल टेम्परेचर में भी रख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सर्कुलेट करते रहेगा तो जो बाहर का फ्रेश एयर है उसको अंदर लेते आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करने से आपका क्या है कि एसी भी आपने ऑन नहीं किया। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एसी ऑन नहीं किया, ये प्रेस करेंगे बटन तो एसी ऑन होगा, बट मैंने अभी एसी को ऑन नहीं किया। यहाँ पे देखिए ये एसी अभी ऑन हुआ लेकिन मैंने एसी को ऑफ रखा, सिर्फ ब्लोअर की यूज कर रहा। तो इसे क्या कहा, जो एसी का कंप्रेसर है वो अभी यूज नहीं हो रहा है, बस बाहर के जो फ्रेश एयर इंटेक्ट के उसको अंदर ला करके विंडशील्ड को क्लीन करते रह रहा है। और हो सकता है तो अगर आप और जल्दी अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप हल्का हल्का विंडो जो ग्लास है उसको भी डाउन कर लें। तो उससे क्या है कि आपका चलते चलते गाड़ी आपका जो विंडशील्ड है वो साफ भी होते रहेगा और गाड़ी भी आप चलाते रहेंगे। बट आपका एक प्रॉब्लम जरूर होगा, आपको गर्मी ज्यादा लग सकती है क्योंकि यहाँ से आपका जो वेंट है उससे आपका एयर थ्रो तो नहीं हो रहा है। तो उस केस में अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे सफोकेटिंग नहीं हो, मुझे भी थोड़ा बहुत एयर मिलता रहे, हवा मिलते रहे, तो उस केस में देखिए क्या करें, आपको यहाँ पे जो मैंने एकदम कॉर्नर में किया था, ठीक है, वो कॉर्नर से आपको यहाँ पे लाना है, ठीक है, यहाँ पे लाना है। इसका मतलब है कि आपका जो गाड़ी के अंदर पैरों में भी हवा लगते रहे और साथ साथ विंडशील्ड में भी लगते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे कर करके आपको एक यहाँ पे लाके छोड़ देना, ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ब्लोअर को मैंने चालू कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा कि नीचे से भी हवा आएगी आपके तरफ और ऊपर से भी हवा विंडशील्ड की तरफ जाता रहेगा। तो ये कब करें, ठीक है, ये जो केस है ये कब करें, ये आपको तभी करना है जब एक बार आपका विंडशील्ड थोड़ा बहुत क्लीन हो गया है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में करें। फर्स्ट में अगर आप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि जब दो डायरेक्शन में हवा बटेगी ना तो जो प्रेशर होता है दोनों जगह की कम हो जाएगी। तो आपको तो सबसे पहले मेन फोकस है आपको विंडशील्ड साफ करना, तो उस केस में सबसे पहले आप विंडशील्ड को क्लीन कर लें। जब क्लीन हो जाए
तो उस केस में आप इसको स्विच कर ली इस मोड में, ताकि दोनों साइड बैलेंस हवा रहे, आपको भी हवा मिलते रहे और विंडशील्ड भी मिलते रहे और गाड़ी भी आराम से चले विदाउट एनी एसी का, विदाउट एनी मींस विदाउट एसी का यूज किए बिना, ठीक है। तो आप एसी बिना यूज किए भी दोनों तरफ से क्लीन कर सकते हैं विंडशील्ड को बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही आसानी से, ठीक है। और इससे आप लंबे ड्यूरेशन तक जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट अगर आपको हवा चाहिए तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको यहाँ पे स्विच कर ले, दोनों जगह पे आपको केबिन में अंदर में भी आपको हवा मिलते रहेगी और विंडशील्ड में भी डायरेक्ट आपको हवा मिलते रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एसी चाहिए तो आप सिंपल एसी को यूज़ करें। सबसे बेहतर उपाय यही है कि आप एसी को यूज़ करें। एसी में क्या होगा कि आपको अंदर में भी टेम्परेचर बना रहेगा और विंडशील्ड में भी क्लीन रहेगा। बट बहुत सारे लोगों का एसी यूज़ नहीं करना है, आदत नहीं है एसी का, या फिर यूज़ नहीं करना चाहते, या फिर पेट्रोल सेव करना चाहते हैं, तो जो भी वो सोचते हैं तो उस हिसाब से आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत ऐसा तरीका है जिसके कारण आप विंडशील्ड को क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और विंडशील्ड को क्लीन करने का सबसे बेहतर तरीका है, जब भी आप गाड़ी बारिश में निकालें उससे पहले गाड़ी में विंडशील्ड का जो बॉक्स होता है जहाँ पे पानी डालते हैं वाइपर के लिए, स्टोरेज के लिए, तो उसमें पानी हमेशा डालें और शैम्पू भी हमेशा डालें। बहुत सारे लोग बिना शैम्पू डाले गाड़ी को चलाते हैं सिर्फ पानी से, तो ऐसा भी ना करें। उसमें क्या होता है कि विंडशील्ड बढ़िया से क्लीन नहीं होगा। अभी देखिए जैसे मैंने शैम्पू यूज़ किया, तो यहाँ पे आप देखिए हल्का सा स्प्रेड करके आप वाइपर चला देंगे तो कितना ईजिली देखिए क्लीन हो रहा है। देखिए आप इससे क्या होगा कि बाहर से भी क्लीन कर सकते हैं और अंदर से भी कर सकते हैं। अभी क्या था कि आप बाहर से सिर्फ क्लीन कर पा रहे थे, सॉरी आप अंदर से क्लीन कर पा रहे थे, लेकिन अभी देखिए इस प्रोसेस में आप बाहर से भी क्लीन कर सक रहे हैं, अंदर से भी। तो ओवरऑल जो आपको विंडशील्ड जो विजिबिलिटी है वो बढ़िया रहेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप मुझे सिंपल कमेंट करें, मैं वहाँ पे जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।